तो हेलो दोस्तों। अभी हम ताऊ जी के घर आए हुए हैं, जहाँ पे मतलब पापा भी मेरे पले बड़े यहीं पैदा हुए थे। तो ये है सामने गांव और ये है इसके आसपास का व्यू। और अभी हम जा रहे हैं बंजर। अब सोचो बंजर क्या है, का बंजर प्लेस ज़मीन है। जहाँ पे गाय वगैरह बनती हैं, घास लोग घास काटने जाते हैं, जिसे बंजर के अलावा हम घासनी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे घास काटती हैं और गायों को चराते हैं। जंगल टाइप इलाका होता है जहाँ पे आराम से गाय को चरा सकते हैं। और फिलहाल अभी हम थोड़ा लेट आ रहे हैं, वैसे तो अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, बट सुबह 7 साढ़े 7 बजे ताऊ जी मेरे ऑलरेडी गाय को लेके यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी मैं हूँ, मेरा भाई है छोटा हमारे साथ, मम्मी पापा और मेरे ताऊ जी की बेटी का लड़का, वो भी दिल्ली में रहता है, मतलब रिश्तेदारी में हम मामा भांजे लगे, वो भी हमारे साथ है। तो ये है सामने सड़क, पहले नहीं थी, अब बनी है ताजी ताजी। और आप ये देख सकते हैं, ये गुफा चीज जैसी कुछ, कैसे दिखाऊंगा आपको जूम। हाँ यार, ये गुफा है, यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। ऐसे किसी की भी गुफा होगी तो जाता है यहीं पे स्टे करता है, जंगली कबूतर मुर्गे ये वो सब, शेर तक। हाँ शेर भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी देखा है यहाँ से, पहाड़ में सामने दिख जाता है। चितकबरा जैसे होता है, जिनमें निशान होता है उसे चितकबरे बोलते हैं, चितकबरे टाइप बाघ। यहाँ पे लोग तेंदुआ देखे उसे बाघ बोलते हैं, शेर देखे तो भी बाघ, बाघ देखे तो शेर, ऐसे। तो ये है वो गौशाला स्लैश बंजर। ये है मम्मी मेरी और ये है मीट हर्षित मेरा भांजा, मेरी ताऊ जी की मंजली बेटी बेटी का बेटा। डेले सीपी तीन में रहता है लॉन्ड सीपी में। कनाट प्लेस में रहते हैं, ये भी आजकल का स्कूल बंद है, आए हुए हैं यहाँ पे गांव में। हालांकि गांव में मजे लेना चाहिए, बट ये पबजी खेलते हैं डेली। ये है कौशट गौशाला बंजर, जो भी आप बोलना चाहो। अभी गाय यहाँ नहीं है, गाय नीचे घास चर रही है अभी, तो नीचे आने में तो बहुत मजा आ रहा है, बट हालत तब खराब होगी जब ऊपर आएंगे। मम्मी ऊपर सारी थी, सहारे सारे तक पेड़ ही तोड़ दिया। और अभी हम इतने ऊपर से आए हैं, नीचे एकदम डायरेक्ट, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता, जहाँ पे पैर पड़ा वही रास्ता बन जाता है। अनारदाना तो देख लिया, अब देख सकते एक ऐसा वैसे खेत करने का लायक इलाका, बट लोग करते नहीं है यहाँ पे, और ये अब फिर जमीन उपजाऊ नहीं रहती। अनदर रीजन जगह उपजाऊ ना, ये रहा शायद इसी थोड़ा बड़ा होगा, बट ये अनारदाना निकल जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि नीचे आना तो बहुत आसान है, बट ऊपर चढ़ना उतना ही मुश्किल है जब वापस जाना होगा। तो अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो भाई मम्मी और मेरा भांजा, पता नहीं कहाँ पे गया, ये रहा आगे। तो ये ऑलरेडी चढ़ाई कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट स्टॉप वापस ऊपर गौशाला। मगर चढ़ाई कम से कम 90 या 100 मीटर होगी, बट टाइम बहुत लगने वाला है और थकान बहुत होने वाली है, सांस फूलने वाली है। तो लेट्स कंटिन्यू। पानी की बोतल भूल गया। हाँ गाड़ी में ही भूल गए पानी की बोतल, सांस बहुत फूल रही है तो प्यास लगना जायज है। नल सा हुआ तो करता था। तो अभी हम ट्राई करेंगे ऊपर, जो मैंने आपको पहाड़ी बताई थी जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है तीन, चढ़ने की। जैसे कि था कि व्यास से हाथ खराब हो गया होगा, तो डाउट वही है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि ऊपर से नज़ारा बड़ा से लग रहे हैं सुंदर होने वाला है अगर पहुंच जाए तो। वो पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया।
कांटे हैं इसमें, बोल रहे हैं ऐसे ही तोड़ते। तो हम ये तोड़ेंगे, इसका अचार कह सकते हो, मुरब्बा टाइप बनता है, कच्चा ही खा जाते हैं इसको हम, मसाला वसाला मिक्स करके दिखाएंगे आपको। नींबू परिवार का ही है कुछ, इसका छिलका है, काटेंगे अंदर से नींबू, काटेंगे इसको फिर मसाला नींबू ये सब, हालांकि थोड़ा कोयला भी डालते हैं, बट आपको दिखाएंगे बाद में कैसे बनेगा। सो दिस इज व्हाट वी गैदर्ड, छोलांग नींबू परिवार का टोटल 10। सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने बड़े बड़े नींबू जो अपनी गौशाला बंजर घासनी जो भी आप उन्हें कह सकते हो वहाँ से खेत से जो हमने तोड़े थे थोड़े बहुत बड़े बड़े नींबू, उसकी ऐसी डिश बनती है, काट काट के उसको मसाले वगैरह लगा के तब उसको खाते हैं। सुखा नहीं गए। और ये है अपना देसी चूल्हा घर का, गांव का हमारे देसी चूल्हा वो उधर। हाँ हाँ, दिखा है ना, यूं बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है। तो अभी अभी हम उसे काट चुके हैं, छिलके छील के उसके छोटे टुकड़े कर दिए, उसके पहले हमने धनिया डाला, लाल मिर्च डाली, अब डाल रहे नमक, और एक छोटा सा सरप्राइज है कि एंड में हम क्या करते हैं वो तभी एक्सप्लेन करेंगे क्या है वो चीज। आप वेट करें। ये है शक्कर, थोड़ा खट्टा मीठा बनता है इससे। दीदी बोल रही है वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि और फैमिली हमारी बड़ी हो और लोग सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें इन वीडियोस को। ये क्या डाला हमने, गरम मसाला, सबसे लास्ट में हमने क्या डाला था, गरम मसाला। ओके, तो चार पांच चीज हो गई है, धनिया नमक लाल मिर्च गरम मसाला, और अब वो जिसका हम वेट कर रहे हैं क्या एक सरप्राइज होता जिससे ये प्रोसेस पूरा होगा। तो ये है वो सरप्राइज, लास्ट में डलता है इसमें कोयला गरम और ऊपर से सरसों का तेल, तो फिर इसमें थोड़ा धुआं लगता है इसमें, और वो अरोमा आता है इसका, अरोमा इज द वर्ड। सो वो अरोमा इसमें आएगा थोड़ा, इसमें अभी आने वाला है, ये डला कोयला और ये ऊपर से सरसों का तेल, धुआं निकलेगा, और उन्होंने ढक्कन रख दिया थोड़ी देर के लिए, इसके लिए 5 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया है, 5 मिनट तो नहीं है, 1-2 मिनट, एक दो मिनट का फर्क है। कोयला नहीं था ना सही, तब तक आपको रसोई की दर्शन कराते हैं। ये है लकड़ियां जो गांव में कटी हुई थी, बंजर में कटी हुई थी, वही है, इसमें पानी गर्म होता रहता है, अगर कुछ बन नहीं रहा हो तो इसमें क्या करते हैं गांव के लोग की पानी भर देते हैं, और इसे बोलते हैं टोकड़ू, टोकड़ू बोलते हैं उसको, पतीले टाइप लोटा टाइप, बड़ा लोटा टाइप, इसे टोकड़ू बोलते हैं, इसे पानी गर्म हो जाता है, जैसे लोग बाहर से आते हैं। तो ये प्रोसेस कोयला से मिक्स हो जाएगा हालांकि, बट वो लोग अलग कर सकते हैं खाते टाइम डिशों में। ये वो बन चुका है, अभी हम खा सकते हैं, अभी इसको एंजॉय करेंगे, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट करना चैनल को, एंड आई होप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। बाय करो, बाय बाय।